सभी का स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूं मुस्कान। विजयपुर शहर के वज्र हनुमान के इब्राहिमपुर बाईपास ओवर ब्रिज के कारण यह कार्य रुक जाने से जगह दुर्घटनाओं को आमंत्रित दे रही है। निर्माण शुरू होने के करीब एक साल बाद भी रेलवे ओवर ब्रिज और सबसे अहम सर्विस रोड अब तक नहीं बन पाई है। अगर ये कहें कि वज्र हनुमान के बाईपास पर इब्राहिम बाईपास ओवर ब्रिज के पटरी पर से गुजरते समय यह जगह दुर्घटनाओं को आमंत्रित दे रही है तो ये बात गलत नहीं होगी। निर्माण शुरू होने के करीब वाहन चालक निर्माण के चलते रेल पटरी और गड्ढों में तब्दीली हो चुकी है। पुराने सड़क पर ही जान हथेली पर लेकर सफर करना पड़ता है जिसके लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। निर्माण की यह अव्यवस्था शुरू से ही हावी है और यहाँ पर करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है। यहाँ की तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आती हैं, जैसे यहाँ पर उबड़ खाबड़ सड़क के अलावा बुलबुलियां वाली मोड़ बन गई हो। यह बुलबुलियां खतरे को आमंत्रित करती हैं और इसके अलावा सुबह वाहनों को गुजरने के लिए कोई गलियारा खोल दिया जाता हो तो शाम पर यहाँ पर काफी भीड़ जमा हो जाती है जिसके कारण खतरा और भी बढ़ जाता है। आधा किलोमीटर के इस हिस्से में कुछ जगह वाहनों को एक ही लाइन से गुजरना पड़ता है। अचानक लाइन बंद होने के कारण वाहनों का एक दूसरे से टकराने का खतरा भी और बढ़ जाता है। सड़क पर गड्ढों के कारण चालक बचने के लिए वाहनों को दाएं बाएं मोड़ते रहते हैं और इससे दुर्घटना को और खतरा बढ़ जाता है और यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। Neighborhood person, peoples, and it will shortly completed. I hope. Please grant the amount and please process the work. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿದು ಬಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಅನುಕೂಲದಿಂದ ಭಯಂಕರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲಗೊಂಡು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಲಗಾತಾರ ಖಬರೊಂದಿಗೆ ದೇಖ್ತಾರೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್.